हेलो एवरीवन, आज हम पजल के सेट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। 4 ऑफ देम आर मेल्स व्हाइल 4 ऑफ देम आर फीमेल्स एंड ऑल आर फेसिंग इनसाइड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्कुलर टेबल है और हम 8 पीपल ड्रॉ की पोजिशन ड्रॉ कर लेते हैं और सब के सब इनसाइड फेस के हैं, तो मतलब सेंटर की तरफ फेस के हैं। ओके, नेक्स्ट, नो टू पर्सन विथ सेम जेंडर सिट टुगेदर। मतलब अगर कोई फीमेल बैठा है तो उनके साइड में मेल बैठ सकते हैं, पर फीमेल बैठे हैं तो उनके साइड में वापस फीमेल या फिर फीमेल नहीं बैठ सकते। और वैसे ही अगर कोई मेल बैठे हैं यहाँ पे तो उनके साइड में मेल नहीं बैठ सकते। मतलब क्या होगा, फीमेल मेल ऐसे अल्टरनेटिव होके पोजिशंस बैठे होंगे ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। ई हु इज ए फीमेल सिट्स 4th टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, सपोज ए हमारे यहाँ पे है और 4th टू द राइट मतलब 1, 2, 3, 4 या ई यहाँ पे है और यहाँ पे क्या बोले कि ई एक फीमेल है, मतलब मैं एफ लिख लेती हूँ। अच्छा, ये अगर फीमेल होंगे तो इसके साइड में जो होंगे वो मेल होंगे, यहाँ पे भी मेल होंगे और यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे मेल नहीं हो सकते फीमेल। नेक्स्ट, यहाँ पे वैसे मेल, ये फीमेल, वैसे ये मेल, फीमेल ऐसे करके बैठे होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, हु मतलब यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है, ए के बारे में बोला जा रहा है। मतलब ए को इमीडिएटली मेंशन किया गया था, मतलब ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। मतलब डी को डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ पे हमारे ए ऑलरेडी बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट, बी फेसेस एफ हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच एंड नेबर ऑफ ए। अच्छा, नेबर ऑफ ए मतलब ए के ऑलरेडी एक नेबर में तो डी बैठे हैं, तो नेक्स्ट नेबर मतलब ये वाला पोजिशन होगा और ए वाला पोजिशन में कौन बैठे हैं, एफ बैठे हैं। मतलब यहाँ पे एफ के बारे में बोला जा रहा था ना, एफ हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, मतलब एफ एच के सेकेंड टू द राइट में है। मतलब एच हमारे यहाँ पे है, एच के ये फर्स्ट और ये सेकेंड टू द राइट में है और नेबरिंग ए मतलब एफ के बारे में ही बताया जा रहा है और एफ को कौन फेस के है, बी, मतलब बी यहाँ पे है। ठीक है, जी इज नेबर ऑफ डी। अच्छा, डी के नेबर में यहाँ पे जी बैठे हैं, तो बाकी कौन रह गए, सी, तो सी यहाँ पे बैठ गए। तो ये हो गया हमारा पहला अरेंजमेंट। तो नेक्स्ट को चलते हैं। पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू आर 8 पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल 1 एट ईच कॉर्नर एंड ईच साइड। अच्छा, तो ये तो हमारा स्क्वायर टेबल है और यहाँ पे ईच कॉर्नर मतलब ये चार जगह पे 1-1 ही बैठे हैं, मतलब एक ही बैठे हैं और इस साइड में भी एक एक ही बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल फेसिंग आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे सब आउटसाइड को फेस किए हैं। ओके, तो नेक्स्ट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आर इज डांसर एंड 3rd टू द लेफ्ट ऑफ सिंगर हु इज एट 1 ऑफ द एजेस। अच्छा, चलो हम सिंगर को एज मतलब यहाँ पे ले लेते हैं। सिंगर एड्स में है और उनके 3rd टू द लेफ्ट मतलब इस साइड, इस साइड में 3rd टू द लेफ्ट मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये 3rd, और 3rd पे कौन है, आर है और आर क्या है, डांसर है। नेक्स्ट, हु इज 1 ऑफ द एजेस नेबरिंग यू। अच्छा, सिंगर जो है वो एजेस में है ये तो पता चल गया और क्या पता है, यू को भी नेबर किए हैं, मतलब यू यहाँ एक तो यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे। हु इज एन इंजीनियर और यू जो है वो एक इंजीनियर है, यू अगर यहाँ पे बैठे होंगे या फिर यहाँ पे बैठे होंगे और ये एक इंजीनियर होंगे। डब्ल्यू इज ए पॉलिटिशियन एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। अच्छा, आर हमारे यहाँ पे है और इनके सेकेंड राइट मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ पे W है मतलब यहाँ पे U के इंजीनियर होना कैंसिल हो गया, मतलब U डेफिनेटली यहाँ पे है और वो एक इंजीनियर है।
ओके okay? और W R के सेकेंड राइट में है, मतलब यहाँ पे है, और W क्या है, पॉलिटिशियन है. ओके नेक्स्ट P इज टीचर एंड आर द इमीडिएट राइट ऑफ द डॉक्टर हु इज अपोजिट टू पॉलिटिशियन. अच्छा पॉलिटिशियन के अपोजिट में है, मतलब यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे कौन है, डॉक्टर है. और डॉक्टर के इमीडिएट राइट में टीचर है और वो पी है, मतलब यहाँ पे पी हो गए. वी एंड टी आर अपोजिट टू ईच अदर एंड आर प्रोफेसर्स एंड एंकर्स रिस्पेक्टिवली. मतलब अपोजिट टू ईच अदर वी एंड टी के लिए कितने ऑप्शन बचे, एक तो वी यहाँ पे और टी यहाँ पे होंगे, या फिर टी यहाँ पे और वी यहाँ पे होंगे. ठीक है, एस इज नेदर सिंगर नॉर सिट्स नेबरिंग भी. अच्छा इसके लिए और कहाँ पे जगह बच गया, अगर सिंगर नहीं है तो एक तो डॉक्टर होंगे, अब एक ही जगह बचा है, डॉक्टर ही है, और वो किसको नेबर नहीं किए हैं, भी को नेबर नहीं किए, मतलब यहाँ पे हमारा टी ही है और यहाँ पे भी ही है. और वी एंड टी के प्रोफेशंस क्या बताया गया है, प्रोफेसर्स एंड एंकर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब भी प्रोफेसर है, मतलब देखो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर भी पहले आता है तो जिस प्रोफेशन के बारे में पहले बताया जा रहा है वो उसी का है, मतलब वो भी का है. और टी अगर बाद में आता है, सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में जिस जो मेंशन किया गया है वो टी के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, अब भी प्रोफेसर है और टी एंकर है, और इसके बारे में तो हम पुट कर लिए, तो सब हो गए, प्रोफेशंस भी हो गए और पर्सन्स भी हो गए, तो ये हमारा सेकेंड भी हो गया. तो नेक्स्ट चलते हैं. सिक्स पीपल आई जे के एल एम एन फ्रॉम डिफरेंट क्लास फ्रॉम फिफ्थ टू टेंथ आर अराउंड ए ट्राइंगुलर टेबल वन एट ईच कॉर्नर एंड ईच एज. अच्छा वन एट ईच कॉर्नर, मतलब ये तीन यहाँ पे हो गए, और ईच एड्स में भी एक एक ही बैठे हैं, तो हमारे छः का पोजीशन पता चल गया. नेक्स्ट ऑल आर फेसिंग इनवर्ड, मतलब सब इनसाइड के डायरेक्शन में बैठे हैं. तो नेक्स्ट चलते हैं. एन आर्ट कॉर्नर, चलो किसी भी कॉर्नर में इनको बिठा देते हैं. एंड फ्रॉम क्लास सेवेंथ, मतलब इनके सेवन क्लास हैं. सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम टेंथ, अच्छा इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या, इनके बिल्कुल सामने ये वाले हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके टेंथ क्लास है. के इन फिफ्थ स्टैंडर्ड सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ सेवेंथ क्लास स्टूडेंट. अच्छा सेवेंथ क्लास स्टूडेंट मतलब ये है, और इमीडिएट राइट मतलब यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन बैठे हैं, के बैठे हैं, और उनके स्टैंडर्ड कौन सा है, फिफ्थ स्टैंडर्ड. जे इन सिक्स स्टैंडर्ड एंड सिट बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम टेंथ एंड नाइन्थ क्लास. अच्छा टेंथ और नाइन्थ क्लास मतलब इस तरफ तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ क्लास ऑलरेडी बैठे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे होंगे. टेंथ और नाइन्थ क्लास के बिटवीन में कौन बैठे हैं, जे बैठे हैं और उनके सिक्स क्लास है, हो गया. आई नेदर इन नाइन्थ क्लास, मतलब यहाँ पे आई नहीं है. नॉर इन टेंथ क्लास, मतलब यहाँ पे भी आई नहीं है, और अगर यहाँ पे आई नहीं है तो आई को डेफिनेटली कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए. और देखो यहाँ पे फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, नाइन्थ टेंथ भी हो गया, मतलब बचे कौन, एट्थ क्लास. और एल इज ए नाइन्थ क्लास, मतलब नाइन्थ क्लास में हमारा एल फिक्स हो गए, और बच्चे कौन, एम बच गए, तो हमारा यहाँ पे एम हो गए. ओके तो ये हमारा सारे के सारे बच्चे भी बैठ गए और उनकी क्लास में पता चल गया, तो ये हमारा थर्ड भी हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. एट पीपल ओ पी क्यू आर एस टी यू बी लाइक डिफरेंट कलर्स अमंग पिंक ब्राउन रेड ब्लैक ऑरेंज येलो ब्लू वायलेट एंड आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग साउथ. अच्छा एक रो में सब बैठे हैं, आठ पीपल, और सबके सब साउथ को फेस किए हैं. ठीक है,
only 5 people to the right of T. अच्छा T के right मतलब अगर सब south को face किए हैं तो right मतलब इनके इस तरफ होगा और यहाँ पे कितने बैठे हैं 5 बैठे हैं मतलब T का position कौन सा होगा sixth होगा मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 उनके right को बैठे हैं और मतलब T यहाँ पे बैठे हैं हो गया who is मतलब T is यहाँ पे who से पहले just पहले T आए ना तो T is second to the right of the one who likes येलो अच्छा मतलब डेफिनेटली येलो को यहाँ पे होना चाहिए तभी तो उनके सेकेंड राइट में यहाँ पे फर्स्ट राइट और यहाँ पे सेकेंड राइट में टी आएंगे तो यहाँ पे कॉलर जो है येलो वाला है नेक्स्ट ओ एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स हु लाइक्स ऑरेंज अच्छा ओ के बारे में अगर हमें कॉलर नहीं बताया जाता तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो यहाँ पे बैठेंगे या फिर यहाँ पे बैठेंगे पर जबकि उनके बताया गया है कि वो ऑरेंज लाइक करते हैं पर यहाँ पे हमारा ऑलरेडी येलो बैठ चुके हैं तो डेफिनेटली ऑरेंज यहाँ पे होगा और वो यहाँ पे होंगे क्योंकि वो एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं यू सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ मतलब उनके लेफ्ट मतलब इस साइड और सेकेंड मतलब यहाँ पे यू हो गए एस लाइक्स पिंक एंड इज इमीडिएट नेक्स्ट टू यू टू बोथ यू एंड पी हु लाइक्स ब्राउन अच्छा बोथ यू एंड पी मतलब बीच में कहीं पे एस होंगे और यहाँ पे इस साइड यू एंड पी ऐसे होंगे या फिर ऐसे यू एंड पी ऐसे भी हो सकते हैं पर यू के इस तरफ आएंगे तो एस को नहीं बैठा सकते क्यों क्योंकि यहाँ पे पी नहीं है तो पी के लिए यहाँ पे जगह खाली है इसलिए हम एस को यहाँ पे बीच में बैठा सकते हैं और एक बात क्या लिखा गया है कि एस पिंक लाइक करते हैं और पी कौन से कॉलर लाइक करते हैं पी ब्राउन ठीक है V likes blue and is immediate next to both R and T who likes violet. अच्छा यहाँ पे T है हमारे और V T के next भी है और R के next भी है मतलब definitely V यहाँ पे होंगे और R यहाँ पे होंगे और V के color कौन से है blue और T के color कौन से है violet. Okay. Q likes red. अच्छा Q यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे रेड कलर हो गए और हमारे यहाँ पे सारे बैठ गए और कलर एक ही बच गए और एक कौन से ब्लैक कलर बच गए तो U के ब्लैक कलर हो गए ठीक है तो ये भी हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट चलते हैं 10 पीपल वेंट फॉर डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट एंड आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज पैरेलल लाइंस रो वन इज इन फ्रंट ऑफ रो टू मतलब यहाँ पे अगर रो वन ऐसे है तो रो टू कहाँ पे होंगे यहाँ पे होंगे और यहाँ पे 10 पीपल है देन क्या ये रो वन है और ये टू है 5 इन ईस्ट लाइन मतलब ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है ऑल फेसिंग नॉर्थ मतलब ऐसे हो गया ना कि एक लाइन में जो बैठे हैं उनके जस्ट पीछे दूसरा वाला लाइन है ईच वन इज बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम अदर लाइन जो यहाँ पे बैठे हैं उनके कोई ना कोई आगे बैठे होंगे और जो इस लाइन पे बैठे हैं उनके कोई ना कोई पीछे होंगे ठीक है अलेक्स हु इज बिहाइंड ब्रिक्स वेंट फॉर जीप लाइन एंड इज इन मिडिल मोस्ट पोजिशन ऑफ द रो अच्छा ये एक रो है तो इसके मिडिल मोस्ट पोजिशन कौन सा है ये है इसका ये है और इसका ये है और अलेक्स कहाँ पे बैठे हैं मिडिल मोस्ट पोजिशन में बैठे हैं और किसी के पीछे बैठे हैं मतलब सेकेंड रो में ही बैठे होंगे और ये कौन से एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए गए थे जीप लाइन के लिए और ये किसके पीछे बैठे हैं ब्रिक्स के पीछे मतलब ब्रिक्स यहाँ पे है मिया हु वेंट फॉर कैविंग इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेड अच्छा इसे हम थोड़े साइड में करते हैं मिया जो कि कैविंग के लिए गए थे वो इमीडिएट सीट के इमीडिएट राइट में है सब नॉर्थ को फेस किए हैं तो सीट यहाँ पे बैठे होंगे और उनके राइट में मिया बैठे हैं
हु इज़ इन फ्रंट ऑफ द वन, मतलब ये पता चल गया कि ये लोग तो फर्स्ट रो में ही है और सीट किसके फ्रंट में बैठे हैं, हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रियन. अच्छा रियन यहीं पे कहीं पे होंगे तभी तो उनकी ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड लेफ्ट वाला पोजिशन होगा, लेफ्ट मतलब यहाँ पे ही होंगे ना. देन अभी इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिड और मिया ऊपर में एक साथ बैठ सकें तो दो जगह ही खाली है, एक तो यहाँ और यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ पर और यहाँ पर हो सकते हैं. पर अगर हम सीट को यहाँ पे रखते हैं तो रियान के लिए तो जगह नहीं होगा ना, मतलब और वहाँ तो एक्सटेंड नहीं कर सकते ना लाइन को, तो डेफिनेटली सीट को यहाँ पे बैठना है और मियाँ को यहाँ पे. ओके तो हमारा रियान कहाँ पे बैठ जाएंगे, यहाँ पे हो गया ना, रियान यहाँ पे बैठेंगे तो उनकी ये फर्स्ट लेफ्ट ये सेकेंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट जहाँ पे की सीट बैठ गए, मतलब ये वाला पोजीशन और इस वाला पोजीशन के फ्रंट में सीट बैठ गए, तो हमारा ये सारे कंडीशंस हो गए. और मियाँ कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए गए थे, वो केविंग के लिए गए थे. ठीक है नेक्स्ट, अटलस इज इन द सेकेंड रो. अच्छा अटलस यहाँ पे बैठे हैं, मतलब सेकेंड रो पे बैठे हैं एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट टू केट. अच्छा केट को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो इनके इमीडिएट लेफ्ट में अटलस को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो केट को डेफिनेटली यहाँ पे बैठाएंगे तभी उनके इमीडिएट लेफ्ट में हमारे अटलस बैठ सकते हैं. हु वेंट फॉर हाइकिंग, मतलब यहाँ पे हु के मतलब कौन, केट मतलब यहाँ पे केट हाइकिंग के लिए गए थे. देन रोज हु डिड माउंटेन बाइक्स इज नॉट इन द सेम रो विथ सोफी एंड बनी. अच्छा यहाँ पे देखो इस लाइन पे दो जगह खाली है और इस लाइन पे एक ही जगह खाली है और यहाँ पे बोले जा रहा है कि रोज सोफी और बनी जो लाइन में बैठे हैं उनके लाइन पे नहीं बैठे, मतलब रोज डेफिनेटली फर्स्ट रो पे नहीं बैठ सकते, रोज को डेफिनेटली यहाँ पे बैठना है. और वो सोफी और बनी के लाइन पे नहीं बैठे, पर सोफी और बनी मतलब यहाँ पे तो फुल हो गया, यहाँ पे लाइन पे ये जो दो प्लेसेस खाली है इनमें ही कहीं पे बैठे हैं. और बनी के बारे में क्या बताया गया, हु इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, हु के मतलब यहाँ पे बनी ही है ना, तो बनी यहाँ पे नहीं हो सकते, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे है और सोफी हमारे यहाँ पे हो गए, मतलब सारे पीपल बैठ गए, अब बस कुछ स्पोर्ट्स बाकी है. अच्छा यहाँ पे लिखा गया कि हु इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम एंड बट डिड फ्लाई बोर्ड, मतलब यहाँ पे बनी के बारे में ही कंटिन्यू हो रहा है और बनी कौन से स्पोर्ट्स के लिए गए थे, फ्लाई बोर्ड के लिए. ओके अटलास वेंट फॉर पैराशूटिंग, मतलब अटलास यहाँ पे पैराशूटिंग के लिए गए थे. देन पैरासेलिंग एंड बंजी जंपिंग वॉज डन बाई ब्रिक्स एंड सोफी रेस्पेक्टिवली, मतलब जैसे कि मैंने पहली वीडियो में पहली क्वेश्चन में बताई थी कि पहले जो आते हैं ब्रिक्स उनके लिए ये पहला वाला कंडीशन है पैरासेलिंग और दूसरा वाला बंजी जंपिंग के लिए ये सोफी है. ये बंजी जंपिंग किसके लिए है, सोफी के लिए है, ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली के, तो हमारे ब्रिक्स के लिए हो गया पैरासेलिंग और बंजी जंपिंग किसके लिए हो गए, सोफी के लिए. तो नेक्स्ट सीट डिड नॉट गो फॉर स्क्यूबा डाइविंग. अच्छा देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी 1, 2, 3, 4 ऊपर हो गया और 1, 2, 3 रोज के लिए. अच्छा माउंटेन बाइकिंग यहाँ पे दिया गया है, हम लिखे नहीं थे, माउंटेन बाइकिंग रोज के दिया गया है. और यहाँ पे अगर जब बोला जा रहा है कि सीट स्क्यूबा डाइविंग के लिए नहीं गए तो डेफिनेटली रियान ही गए हैं स्क्यूबा डाइविंग के लिए. और सीट किसके लिए गए हैं, ट्रेकिंग के लिए, क्योंकि ट्रेकिंग जो है वो रियान की चॉइस नहीं है तो डेफिनेटली सीट के लिए बचे ना. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन और ये थोड़ा सा लेंथी था, मतलब काफ़ी सारे डाटा थे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा.
पर अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताएं और किस जगह पे कन्फ्यूजन रहा बताएं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट क्लियर कर लेंगे। तो अगले वीडियो पे मिलते हैं, थैंक यू।